देखते हैं सिक्स क्वेश्चन एक्सरसाइज का। इससे पहले फाइव क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। सिक्स क्वेश्चन में दिया है फाइंड ए एंड बी वेक्टर ए मॉडुलस एंड वेक्टर बी मॉडुलस, ये आपको फाइंड करना है इफ कंडीशन दी गई है। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी माइनस वेक्टर बी इक्वल टू एट, ये आपको कंडीशन दी है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल टू एट। सेकंड कंडीशन है ए वेक्टर इक्वल टू एट बी वेक्टर एंड ए वेक्टर इक्वल टू एट बी वेक्टर, इतना सब कुछ दिया गया है। आपको फाइंड करना ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का मॉडुलस, यानी कि ए और बी आपको फाइंड करना है। तो हम लेते हैं इस कंडीशन को, इससे कुछ ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। तो ये आएगा आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट होगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल टू है ये एट। मल्टीप्लिकेशन करेंगे ए वेक्टर का प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट होगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के साथ, यानी कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल टू एट एज इट इज। अब ए वेक्टर का ए वेक्टर से होगा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर का बी वेक्टर से स्केलर प्रोडक्ट है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर का ए वेक्टर से होगा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का बी वेक्टर से होगा बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू एट। अब ये ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर को हम देख सकते हैं सिंस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये होता है हमारा ए बी कॉस थीटा। अब अगर हम ए वेक्टर और ए वेक्टर के लिए लेंगे, यानी कि वही वेक्टर होगा तो उसके लिए थीटा हो जाएगा जीरो, तो ये आपका आ जाएगा ए वेक्टर यानी कि ए इंटू ए कॉस जीरो डिग्री माइनस ये एज इट इज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और इस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर को हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर भी लिख सकते हैं। ये बता चुके हैं आपको दोनों एक ही बात होती है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और इसको भी हम इसी की तरह से लिखेंगे। तो ये बी इंटू बी बी डॉट बी कॉस जीरो इक्वल टू एट। अब इस ए को ही मैग्नीट्यूड कहते हैं, तो ये हो जाएगा आपका मॉडुलस ए का स्क्वायर, कॉस जीरो की वैल्यू होती है वन, और ये दोनों हो जाएंगे आपके कैंसिल। ये क्या किया मैंने, ये प्लस प्लस है, ये दोनों कैंसिल हो गए, और माइनस ये भी हो जाएगा मॉडुलस बी वेक्टर का स्क्वायर और कॉस जीरो की वैल्यू वन इक्वल टू एट। तो ये होगा आपका मॉडुलस ए स्क्वायर माइनस मॉडुलस बी स्क्वायर इक्वल टू एट। तो वैल्यू यहाँ से हम ले सकते हैं मॉडुलस ए इक्वल टू है एट बी, कुछ ए इक्वल टू एट बी, तो एट बी का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये हो गया एट, तो ये हो गया सिक्सटी फोर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू एट।
इसी को सॉल्व करोगे तो 38b² इक्वल टू आ जाएगा 64 में से बी जाएंगे तो 63 b² इक्वल टू 8, तो b² इक्वल टू आ जाएगा। आपको फाइंड भी यही करना था हमें मॉडुलस बी, तो b² इक्वल टू 8/63, तो मॉडुलस बी इक्वल टू आ जाएगा √8/63। 8 का स्क्वायर रूट होगा 4 2 8, यानी कि 2√2, और 9 7 63 इसका हो जाएगा 3√7। तो ये आ गया आपका मॉडुलस बी, और ये रिलेशन दिया था आपको a वेक्टर इक्वल टू 8b वेक्टर। तो a वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा 8 × बी है हमारा 2/3 √2/√7। तो a वेक्टर इक्वल टू आ गया 16/3 √2/√7। अभी मॉडुलस में है तो वैल्यू इसकी पॉजिटिव ही ली जाएगी, तो ये a हो गया और ये आपका है b। बी हमने फाइंड किया था 2/3 √2/√7, ये आ गया। चाहे इसे मॉडुलस में कर दो तो मॉडुलस ए और मॉडुलस बी, यही फाइंड करने को कहा था, मॉडुलस ए वेक्टर और मॉडुलस बी वेक्टर। देखते हैं 7th क्वेश्चन, इवेल्युएट द प्रोडक्ट 3a वेक्टर - 5b वेक्टर। आपको इवेल्यूएट करना है 3a वेक्टर - 5b वेक्टर (2a वेक्टर + 7b वेक्टर) (2a वेक्टर + 7b वेक्टर) तो डॉट प्रोडक्ट आपको फाइंड करना है इनका। तो 3a का डॉट होगा 2a वेक्टर + 7b वेक्टर में, -5b वेक्टर का डॉट होगा 2a वेक्टर + 7b वेक्टर। 3a का करेंगे तो 3 2 6 (a вектор) + 3 7 21 (a вектор) - 5 2 10 (b вектор) - 5 7 35 (b вектор) - b вектор। तो ये हो गया आपका 6a вектор - a вектор को हम करेंगे यहाँ पर 6a вектор का स्क्वायर और cos थीटा, यानी कि a वेक्टर दोनों एक ही वेक्टर हैं तो थीटा होगा इसका 0, तो cos 0 प्लस 21 (a вектор) - (b вектор). इस (b вектор) - (a вектор) को हम (a вектор) - (b вектор) भी लिख सकते हैं, तो -10 (a вектор) - (b вектор) - 35, और ये भी हो जाएगा आपका (b вектор) मॉडुलस का स्क्वायर, और ये cos 0, इसका भी एंगल 0 होगा, तो ये 1 हो जाएगा। तो ये आ गया 6 (a²) × 1, 21 में से 10 जाएंगे तो 11 (a вектор) - (b вектор) - 35, ये हो गया (b вектор) का स्क्वायर, और ये 1 इक्वल टू, ये आया 6 (a вектор) का स्क्वायर
प्लस 11 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस 35 वेक्टर बी का स्क्वायर, ये आपका डॉट प्रोडक्ट हो गया 3 ए वेक्टर माइनस 5 बी वेक्टर डॉट 2 ए वेक्टर प्लस 7 बी वेक्टर का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंडिंग द फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स मॉडुलस सॉरी ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, इनका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है आपको हैविंग, तो हमें देखना है यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ये होगा मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ये होगा मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर। हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, हैविंग द से, अब आपको ये भी कंडीशन दे दी गई है, ये आसानी होगी आपको कि दोनों मैग्नीट्यूड इक्वल हैं, यानी कि अगली कंडीशन आपको दी है कि मॉडुलस ए इक्वल टू मॉडुलस बी वेक्टर, ये कंडीशन दी है, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है। एंड सच देयर द एंगल बिटवीन देम, यानी कि थीटा इक्वल टू दिया है आपको 60 डिग्री, और भी कंडीशन आगे दी गई, एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट, इनके स्केलर प्रोडक्ट दिए गए हैं, यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 1/2, 1/2। तो लेते हैं LHS है ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इससे हम लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर और cos थीटा इक्वल टू 1/2। तो ए वेक्टर डॉट, जब बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर मॉडुलस में है, मैग्नीट्यूड दोनों इक्वल हैं, तो इसको भी हम ए वेक्टर का मॉडुलस यानी कि मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं cos थीटा, यानी कि cos 60 इक्वल टू 1/2। तो ये हो गया मॉडुलस ए वेक्टर का स्क्वायर इंटू cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, इक्वल टू 1/2। तो ए मॉडुलस ए स्क्वायर वेक्टर ए स्क्वायर इक्वल टू 1, तो अब चूँकि मॉडुलस में है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, और मॉडुल ए मैग्नीट्यूड ए का 1 है तो बी का मैग्नीट्यूड भी 1 हो जाएगा, यही आपको फाइंड करना था। दोनों सेम बताए हैं कि मैग्नीट्यूड ए वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड बी वेक्टर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, इसमें फाइंड करना है मॉडुलस ऑफ एक्स वेक्टर इफ फॉर यूनिट वेक्टर ए, ए वेक्टर इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर का है, और ये आप जानते हैं कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो ये हो जाएगा ए इक्वल टू 1। आगे आपको दिया है कंडीशन में एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर, एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर इक्वल टू 12। तो आपको फाइंड करना है मैग्नीट्यूड एक्स वेक्टर का, तो प्रोडक्ट करते हैं डॉट, एक्स वेक्टर का डॉट होगा एक्स वेक्टर प्लस
ए वेक्टर से माइनस ए वेक्टर का प्रोडक्ट होगा डॉट एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर से और इक्वल टू ये 12। तो एक्स का एक्स से होगा एक्स वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर प्लस एक्स वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर और माइनस ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू 12। और ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आप जानते हो कि ए बी कॉस थीटा होता है, तो ये ए बी इनकी दोनों एक ही हैं, तो ये हो जाएगा मॉडुलस एक्स वेक्टर का स्क्वायर कॉस थीटा, और दोनों एक ही वेक्टर हैं तो थीटा होता है 0 डिग्री, और ये प्लस का एक्स वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और इसे हम लिख सकते हैं एक्स वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस ये भी हो जाएगा ए वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर और कॉस 0 इक्वल टू 12। मॉडुलस एक्स का स्क्वायर कॉस 0 की वैल्यू होगी 1 और ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, माइनस ए बताया था यूनिट वेक्टर तो मॉडुलस ए वेक्टर इक्वल टू 1 था, तो 1 इंटू कॉस 0 की वैल्यू 1 इक्वल टू 12। तो मॉडुलस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12 प्लस 1, तो ये हो जाएगा मॉडुलस एक्स वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू 13 या मॉडुलस एक्स वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा रूट 13। ये आ गया आपका रूट 13। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन दिया है, इफ़ ए वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप बी वेक्टर दिया है माइनस i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप और सी वेक्टर दिया है 3i कैप प्लस j कैप। सी वेक्टर है 3i कैप प्लस j कैप। आर सच दैट कंडीशन दी है a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू c वेक्टर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो आपको फाइंड करनी है वैल्यू लैम्डा की, तो हमें कंडीशन दी है कि ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर, तो इसका मतलब ये होता है कि ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट जो होगा सी से वो इक्वल टू होगा 0। तो बस इसको आपको सॉल्व करना है, लैम्डा की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो ए वेक्टर है हमारा 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा बी, यानी कि लैम्डा और बी है -i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप ब्रैकेट क्लोज और डॉट सी, सी है हमारा 3i कैप प्लस j कैप इक्वल टू 0। तो सॉल्व करते हैं इसे, 2i कैप
प्लस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप, लेमडा का मल्टीप्लिकेशन करेंगे सभी में तो माइनस लेमडा आई कैप प्लस टू लेमडा जे कैप प्लस टू सॉरी प्लस लेमडा के कैप आसानी से हो जाएगा, थोड़ा संयम लेना है, थ्री डॉट थ्री आई कैप प्लस जे कैप इक्वल टू जीरो। तो कोफिशेंट इनके एक साथ लेते हैं, आई के साथ आ जाएगा टू माइनस लेमडा, जे के साथ आ जाएगा टू प्लस टू लेमडा, और के साथ आ जाएगा थ्री माइनस लेमडा, थ्री माइनस लेमडा डॉट थ्री आई प्लस जे कैप। ये मैंने आई कैप और ये क्या लिखा है लेमडा, ये जे कैप है और ये के कैप इक्वल टू जीरो। तो अब इनका करते हैं मल्टीप्लिकेशन। बताया था कि डॉट प्रोडक्ट में अगर आई जे के दिए जाएं तो फिर आपको केवल आई का आई के साथ जे का जे के साथ कोफिशेंट का डॉट प्रोडक्ट करते हैं। तो आई का है कोफिशेंट टू माइनस लेमडा और यहाँ आई का है थ्री, तो ये हो जाएगा थ्री टू माइनस लेमडा प्लस जे का कोफिशेंट है टू प्लस टू लेमडा और यहाँ पर है वन, टू प्लस टू लेमडा प्लस के का कोफिशियंट है यहाँ पर थ्री माइनस लेमडा और यहाँ पर है जीरो, तो इनटू जीरो इक्वल टू जीरो। सॉल्व करते हैं, थ्री टू जा सिक्स माइनस लेम थ्री लेमडा वन का करेंगे तो टू प्लस टू लेमडा और ये जीरो हो जाएगा इक्वल टू जीरो। तो सिक्स टू एट माइनस लेमडा प्लस एट इक्वल टू जीरो, या लेमडा इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा एट, ये आ गई आपकी माइनस एट इक्वल टू माइनस लेमडा और लेमडा इक्वल टू एट, माइनस दोनों का कैंसिल हो जाएगा।